बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सलाम अलैकुम दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और ये आज हम हाथ से सेवी बना के दिखाएंगे और पका के भी। इसको बहुत टाइम लगता है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार हैं। ये देखो, ऐसे बिल्कुल इसको बारीक कर लेना, ऐसे हाथ से ऐसे बारीक, और फिर ऐसे लाजमी दोस्तों हमारा वीडियो सब्सक्राइब किया करें। और अच्छी से अच्छी इंशाल्लाह हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। और ये बहुत सेवी पहले देखी होगी आप लोगों ने, लेकिन ये मेहनत वाला काम और अच्छी और मज़े वाली ईद का तोहफा है। ईद में ये देहातों में गांव में बहुत लोग ऐसे बना के ईद में खाते हैं। और इसको बना के आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इसमें डाल सकते हैं, सफ़ेद कोई भी दूसरा। और इसको बाद में बना के धूप में डाल के अच्छी तरह इसको सका लेना। और फिर इसको अभी हम भूनेंगे, भूनने के बाद फिर इसको बताएंगे कैसे कैसे करना है। और आप लोग देखें इंशाल्लाह तैयार करके आपको बताते हैं। हम ये मैदे का सेवी है और पहले इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे, उसके बाद फिर दोस्तों अभी ये ब्राउन हो गई है, अभी इसको हम नीचे उतारेंगे और उसके अभी दोस्तों ये ब्राउन हो गया, अभी इसमें हम करेंगे थोड़ा पानी मिक्स। ये अभी पानी रहमान रहीम दोस्तों, अभी पानी उबाल मारने लग गया है। इसका कोई मुश्किल, जैसे सादा चावल सफ़ेद बनाते हैं पानी जितना मर्जी डाल लो और इसको उबाल लें, और जब ये चावल की तरह हो जाए ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, थोड़ा जब हो जाए और पानी ये निकाल देना। निकालने के बाद इसको बिल्कुल पानी इसका निकाल देना, कोई छानना रख के नीचे उसमें पूरा डाल देना, पानी निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसको देसी घी डालेंगे और शक्कर इस्तेमाल करें, चीनी इस्तेमाल कर लें, जो आप पसंद समझें वो इस ऊपर डाल के, और दही रहमान रहीम दोस्तों। इसमें जब पानी डाल के सेवी डालना, चमचा ज़्यादा नहीं मारना। और अभी ये हो गई है सेवी, अभी नीचे उतारेंगे रहमान रहीम। अभी पानी निकल गया दोस्तों, अभी हम इसको परात में डाल देंगे। अभी दोस्तों ये देसी घी भैंस का हम इसमें मिक्स करेंगे। देसी घी को इसको मैं मिक्स कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ
हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना, और इंशाल्लाह नई से नई हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें बना के। ये देसी घी इसमें मिक्स कर दिया हमने, अभी इसको शक्कर डाल के खाएं या उसके अलावा चीनी, दोनों अच्छी हैं। चीनी से ज़्यादा अच्छी शक्कर है जो ज़्यादा मज़ा देगी। अभी दोस्तों ये हम इसमें चीनी डालेंगे और